sort of trapped. Yegon. ठीक है लाओ नहीं चलो सर आंसर करी चल लो अपन थैंक यू हाय हेलो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ I'm Rizwan, husband of Dr. Shataj. And I'm Dr. Shataj. Thank you for inviting us. Okay, our pleasure to have you. Thank please. You. के डायरिंगचं तुम्ही शूट घ्या हो की तुम्हाला असं परत डायरिंग फाइव स्टार मध्ये पण भेटणार नाही अच्छा ओके मुझे सर जी ने गोले का ये स्टैंड आल्सो ये तो सिर्फ पर्सनल है वो घर पे बताएंगे उनको मैडम को ये कौन सा मच्छी है ये तो बांग्लादेश नेशनल फिश है इसका नाम होता है हिल्सा हिल्सा बांग्लादेश में कहते हैं इलिश बंगाली में ओके और वैसे इसका नॉर्मल नाम होता है हिल्सा ओके बहुत तरीके से पकाया जा सकता है ये बहुत खास तरीका होता है जिसको पकाने के लिए पूरी रात लगती है पूरी रात ये बहुत हल्की किसका नाम इसका नाम रेसिपी का नाम है सारा बंगला में बोलने से सारा रात इलिश सारा रात इलिश ये होल नाइट इलिश है अच्छा। इसको बंद करके बस रख देते हैं फिर सुबह खोलना पड़ता है इसको छोटी सी ऐसी ये लगा के फ्लेम लगा के छोटी सी बिल्कुल जीरो फ्लेम जो बंद करने के बाद आग खत्म हो जाए ऐसी फ्लेम होती है और फिर बस फिर ये पकता रहता है अपने अंदर पकता रहता है और कोई मसाला इसकी स्पेशलिटी है मसाला तो बताने से मेरा राज खुल जाएगा मसाला तो नहीं बताएंगे अच्छा वैसे बहुत कम मसालों से बनता है ये अच्छा ठीक है चलो थोड़ा तड़पते हैं ना वो कहिया बस ये अगर नहीं होते तो बांग्लादेश दुनिया में बहुत अच्छा लगा आपके ड्राइंग में कितने साल हुए आपको साल एक साल तीन माह अच्छा और इधर लव मैरिज और अरेंजमेंट लव विद अरेंजमेंट फर्स्ट टाइम लव आप ढूंढ रहे होगा उसका साथ बात किया उसका फ्रेंड का साथ बात किया पहले उसको बोला कोविड में शादी हुआ और जो बांग्लादेश में 26 मार्च में ये होना था आपका पूरा नाम बताइए डॉक्टर साहब मैं डॉक्टर रिजवान ठाकुर डॉक्टर और आपकी वाइफ का डॉक्टर शाताज तैयबा उनसे ही मिलते आप ये गैलरी दिखाने वाले थे हमें ग्रेट उनका बेबी क्या उन्होंने किया इसको हाँ बहुत बढ़िया तो त्यांच्या प्रेम कहाणीतला जो दुसरा घटक आहे त्यांनाही आपण भेटूया छान गप्पा मारू त्यांच्याबरोबर या आता तुम्ही तुमचं काम करा ही जी आय लेवल आहे ना ती मिस व्हायला लागली हा या फॉलो करा आप क्या बना रही है मैं नींबू काट रही हूँ
अच्छा मैंने इनको पूछा कि क्या आपका लव मैरिज है या लव को मैरिज मैरिज है, क्या जवाब दिया इसने? बताइए, नहीं आप बताइए क्या हुआ मुझे, मैं गई थी इसका आईसी में, तब मैं सिर्फ मेरा मतलब इंटर्नशिप चल रहा, तब इसने मुझे बुला कर मेरा नाम पूछा, मैं बहुत डर गई थी, ये मतलब ऐसा इधर क्या नाम है तुम्हारा, नाम पूछे वो जो नाम पूछा उसके बाद मतलब ये भाई साहब इधर आइए डॉक्टर साहब, ये आपने ऐसा क्यों किया बताइए मुझे, ये कोई तरीका होता है पूछने का किसी लड़की को? हाँ क्योंकि मैंने देखा है ना, ये शारदा ने कभी भी ये लोगों का कुछ फेवरेट थिंग्स होता है ना, उसका जो नाम है शारदा, वो पहले से ही मेरा आपका फेवरेट नाम था, फेवरेट नाम था। अच्छा तो उसको पूछा नाम क्या है, वो बोला ताज। एक बांग्लादेशी कुटुंबतली एक लव कहानी तुम्हारे, इंटरेस्टिंग है यार। ताज तो मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा ये अच्छा नाम है शाहताज। अब मैंने पूरा नाम नहीं बताया क्योंकि मेरा नाम बहुत हार्ड है, कोई बोल नहीं सकता तो मुझे लगा ये बोल नहीं पाएंगे तो मैंने अपना शॉर्टर नाम, ये नाम मेरा मतलब है भी नहीं, मतलब ये लोग सब में बनाएंगे क्योंकि बुला नहीं सकते, तो मैंने इसको ये बोला कि मुझे ना लगे इसको मेरा पूरा नाम आएगा, लेकिन नहीं मेरा अच्छा नाम बोलो पूरा नाम बताओ, मैंने बोला शाहताज तैयब, अच्छा ठीक है बैठ जाओ, मैंने बैठ गई। तो इसके बाद आपका क्या रिएक्शन था पूरा नाम पता चलने के बाद? अच्छा लगा। एंड देन नहीं, उसको जब मैंने पहले देखा उसको तो बोला था लड़की, नहीं मैंने इनको बोला नहीं कि क्या हुआ था। अच्छा बोला मैं लड़की देख रहा था, जैसे अच्छा मिलेगा शादी करूंगा, तो दिन में मॉर्निंग का जो काम था वो खत्म करके बैठ के चाय पीऊंगा, उसका उस टाइम में हम देखा है कौन कौन है क्या है ना है। एक दो मिनट इधर आइए, बहुत ही इंटरेस्टिंग आई है डॉक्टर साहब, चलो उसके वहां यहाँ बैठिए आप। फिर जब उसको देखा ना, हाँ आप इधर बैठिए, तो लोगों का रिएक्शन होता है पहले, आप एक तो देखा है कैसा लगा क्या ब्ला ब्ला ब्ला, तो मुझे उसको देख के लगा काश ऐसा एक लड़की ये तो बिल्कुल हॉलीवुड के बॉलीवुड के टाइप हो गया सब, थोड़ा सा एक लड़की मिल जाता तो आपकी पहली रिएक्शन क्या था? बहुत डर गई थी, मैंने कहा सोचा था कि प्रपोज करने वाले, कभी नहीं सोच भी नहीं सकती कभी, तो मैं बैठी थी, वो अभी भी बोलते हैं कि तुम तो वो सिस्टर के बाजू में बैठी थी, वही देख के मैंने बोला काश बीवी हो तो ऐसा हो मिले मुझे, ये इसने बोला था मनी मन में। तो लव एट फर्स्ट साइट था, हो सकता ऐसे ही सबसे लव है बांग्लादेश कुटुंबर की लव कहानी में मुझे सो पड़ता है, वो भी आईसीयू में, आईसीयू वाली कहानी। फिर उसके बाद आपने प्रपोज किया? नहीं नहीं, कुछ हाय हेलो हुआ ऐसा कुछ नहीं, हाय हेलो हुआ उसके बाद एक प्रोग्राम था, प्रोग्राम का कोऑर्डिनेटर हम लोग, मतलब आईसीयू वर्कशॉप था, वो इंडिया से पूरा एक टीम आया था वो आईसीयू के वर्कशॉप के लिए, हमारे फर्स्ट इंडो बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस, इंडो बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस, इंडो बांग्लादेश कॉन्फ्रेंस, तो उसमें इंडिया के भी लोग पार्टिसिपेट हुए, सब इंडिया के, मैक्सिमम इंडियन था, मैक्सिमम कुछ बांग्लादेश का आईसीयू स्पेशलिस्ट था, हम जूनियर डॉक्टर्स हम 10-11 था जो कोऑर्डिनेटर था। फिर उस प्रोग्राम में तो हम लोगों का हेल्पिंग हैंड तो चाहिए, तो आपने इनको चूज किया, इनका साथ इनका ग्रुप है उन लोगों को लेके, क्योंकि उसका हाथ का काम अच्छा है। अच्छा मतलब तभी कहता, अब मैंने सोचा नहीं था कि ये तो बहुत सीरियस है, मतलब ये तो बहुत सीरियस है, वो बहुत सीनियर भी है, तो ये तब मैंने समझी भी नहीं उसका, तो उसके बाद धीरे धीरे उस टाइम उसको मैसेज किया व्हाट्सएप का नंबर पे, वो उसके बाद धीरे धीरे मतलब बहुत प्रोफेशनल है, हाँ मतलब कभी वो होते है ना कि मतलब आओ मिलो कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मुझसे बोला कि तुम्हारा मतलब वो मेल एड्रेस दो, उसका प्रपोजल भेजना है। तो क्या आपने मेल पे प्रपोजल भेजा? मेरे मम्मी के मेल पे, ऑफिशियल प्रपोजल ऐसा, तब मम्मी ने ऐसा नहीं बोला कि मैं शादी करूंगा, बट वो तो ऐसा बच्चे बच्ची तो नहीं है, मतलब समझ गए, धीरे धीरे नहीं बोला कभी भी, अभी भी नहीं। थोड़ा मेरा अलग सवाल है, मैंने इसलिए आपकी प्रेम कहानी पूछी कि जो ट्रेडिशनली बांग्ला की तरफ जो देखा जाता है कि मोस्ट फंडामेंटली सॉर्ट ऑफ अ रिलीजियस नेशन, तो जो आपकी प्रेम कहानी है इस तरीके का फ्रीडम कितनी लड़कियों को मिलता है?
अभी तो बांग्लादेश में सब ऐसे ही वेरी इम्पोर्टेंट मिलता है। देखिए तो क्या लड़कियों के लिए चॉइस है? बिकॉज अभी सब मामले में मतलब बिकॉज जितना एजुकेशन बढ़ा है ना, जैसे लड़कियों को अभी घर में बैठने का नहीं है, वो उनको पढ़ना है, आगे बढ़ना है, थोड़ा वर्ग है सर। सो उन बहुत एम्बिशन है उनमें, तो जितना लड़कियां बाहर जाएगी उनको फैमिली से भी इतना सपोर्ट मिल रहा है, जब बाहर जाती है तो दोस्त बनते हैं, तो वो चॉइस करते हैं, अपना फैमिली को बोलते हैं। मतलब अभी पहले जैसा नहीं है कि नहीं लड़का इस कास्ट का है, ऐसा है वैसा है, ऐसा नहीं है एकदम। ये सोसाइटी के हर तबके में चला गया है। हाँ, परफ्यूलेटेड ऑलमोस्ट ऑन द एवरी मेडिकल सेक्टर से हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे है मेडिकल सेक्टर में कुछ सेक्टर्स है ये वर्ल्ड वाइड मुझे लगता है ये मेडिकल सेक्टर वो जो आर्किटेक्ट होता है ऐसे कुछ जो थिंकर है सॉर्ट ऑफ अ थिंकर वो लोग जो है उनको जो पार्टनर सेम प्रोफेशन में होना अच्छा है अच्छा है। और मैक्सिमम ये ज़्यादातर लव मैरिज नहीं हो तो जान पहचान होता है एटलीस्ट ये चाहिए जान पहचान चाहिए नहीं चाहिए ये आइडियलिस्टिक बात हो रही होता है ऑप्शन लड़कियों की होता है। देखिए बांग्लादेश में तो अर्बन है रूरल एरिया है सब टाइप के लोग है मुझे पूछ रहा है मुझे लगता है जो ये नेसेसरी है और मैं देख रहा हूँ मेरे फैमिली भी ऐसा होता है बहुत सारे हुआ है और अरेंज मैरिज भी बहुत सारे हुआ मुझे दो ही ओके लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा दोनों में भी आपको लगते हैं अरेंज भी लव भी क्योंकि अरेंज मैरिज जब होता है फैमिली के दो चार लोग देखता है दोनों फैमिली के देखता है इसमें बुराई नहीं अच्छा है। लव मैरिज के साइड से सोचिए तो जो दो लोग नेक्स्ट जो दिन आ रहा है उसका मतलब जिंदगी इन दोनों में ही उनको डिसाइड करना है दे हैव टू टेक देयर कॉल दे कैन टेक ये बहुत अच्छा है बट देयर इज ऑलवेज सम नेगेटिव इश्यूज आई थिंक। सो मैंने गाड़ी में एक ऑब्जर्व किया मैं आपको दोनों को देख रहा था कि आपकी जो रिलेशनशिप है बहुत ही कॉर्डियल है सॉर्ट ऑफ फ्रेंडली रिलेशनशिप। मुझे लगता है ये बिकॉज हम सेम सेक्टर के हैं मतलब हमारा जो काम है। देखिए मैं जर्नलिस्ट हूँ तो मैं अवॉइड करता हूँ कि मेरा जो पार्टनर हो जर्नलिस्ट हो क्योंकि फिर वो घर और इसमें एक हो जाता लेकिन मेडिकल के साथ में ये नहीं होता नहीं शायद यही वजह है। हाँ क्योंकि सेम हमने मतलब मेडिकल का जो सोसाइटी है पढ़ने का इतना जो इतना लंबा साल जो हम पढ़ते हैं उसमें जो मतलब हम घुलते हैं मिलते हैं जो एजुकेशन लेते हैं सब कुछ मतलब बहुत खुला खुला है मतलब हमारे में कुछ कोई बाइंडिंग नहीं है कुछ जैसे मैं अगर ये सब बातें किसी मतलब मेरा हस्बैंड अगर इंजीनियर होता मैं बहुत सारी चीजें उसके साथ शेयर भी नहीं करती तो इसके साथ है क्या कि इसको भी पता है मुझे भी पता है तो बहुत सारी जगह में हमारे ओपिनियन सेम आते हैं सोचना भी सेम होता है। सिली चीज दिखाता हूं सपोज मैं मेडिकल ऑफिसर हॉस्पिटल में नाइट कर रहा हूँ एक हॉल रूम में 6-7 डॉक्टर रेस्ट करे वहाँ पे लड़कियाँ भी हैं लड़का है लड़की है रेस्ट क्यों कर रहा है कोई बात नहीं ये एक मेडिकल सेक्टर की वाइफ के लिए करेक्ट सोचना इजी है कोई बात नहीं आप नॉन मेडिकल सोचिए उसको वो तो उसको बहुत कुछ बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। आप फिक्शन पढ़ते हैं ज़्यादा आप फिक्शन पढ़ते हैं किताबें कौन सी पढ़ते हैं फिर मुझे सर ने बोला कि तुम इतना नहीं देखो क्योंकि वो दिमाग में सोचते हैं एंड एक्चुअली इट टर्न्ड आउट ट्रू मैं छोड़ दिया तो मैं अभी बहुत पॉजिटिव सोचते हैं इधर वो सुने तो बंद करो ना कोविड हुआ अब दोनों सेम 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 पॉजिटिव 22 डेज क्वारंटाइन हम लोग उस टाइम में भंडी में रहता था तो उस घर में हम दोनों और वही जो हुआ क्या करूँगा खाना ठीक है क्या देखना नया तो कुछ नहीं रहता है तो प्राइम पेट्रोल
तो आपने भी क्राइम पेट्रोल देखा और आपका फेवरेट फिल्म स्टार? फेवरेट फिल्म स्टार मतलब ऐसे में देखता नहीं हूँ जो फेवरेट फिल्म स्टार। आपका शाहरुख खान। मेरा जो होता है रिव्यू तो चला आता है एक हफ्ता में, एक हफ्ता में जो सलमान खान का ये मूवी अच्छा हुआ मैं ये देखता हूँ। ऐसा नहीं होना है डॉक्टर, तुम्ही सांगा। मैंने आज तीन गाने गाए। अच्छा? बहुत अच्छे। वो थ्री इडियट्स वाला एक था, एक लड़की मुझे मिली थी लिंडा नाम की, उसके साथ में मैंने गाए। आपको इंडिया देख रहा है। बंगाली शाहरुख का नाम लिया तो शाहरुख। अच्छा ठीक है, बंगाली से শিশুরে কাছে দূরে জলে স্তরে বাজায় বাজায় বাসি ভালোবাসি ভালোবাসি। मैं बचपन से सीखती थी। कहाँ पे? मेरा एक म्यूजिक टीचर था, वो घर पे आके मुझे सिखा था। तो क्या मतलब रागा वगैरह आता है? बहुत मतलब हाँ, वो रविंद्रनाथ टैगोर का वो सब गाना कोई आप सुनाएंगे? रविंद्रनाथ टैगोर का ये जो अभी गाया वो उनका था। बहुत बहुत। तब वो जब पढ़ाई में जितना अंदर गई वो छूटता गया। मतलब ये मेरा बहुत वो ड्रीम था कि मैं मतलब सिंगिंग के ऊपर पढ़ूं। उसका हार्मोनियम आता है, मैं पियानो बजा सकती हूँ। आप दोनों में से भी मुझे पॉजिटिव वाइब्स को एक्चुअली और क्या है लाइफ में, पॉजिटिव रहने के बिना और कुछ नहीं। मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूं, मैं बहुत पॉजिटिव हूं। ये बहुत पॉजिटिव है और इससे जितना सीखी मतलब मैं अभी जहाँ पे मतलब जॉब कर रही हूँ ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट मतलब डॉक्टर निलेश ही टॉट मी। अरे वो तो बहुत ही पॉजिटिव है, डॉक्टर निलेश कुंडवद्दल बोलते हैं। मैं उनके लिए इतना मतलब मैं बोल डॉक्टर के साथ आजू बाजू में कोई नेगेटिविटी नहीं रहेगी, को हो ही नहीं सकता। देखिए बहुत ही पॉजिटिव है, ये पूछता है जिस तो ये बोला मुझे पता है वो ऐसे तो सोच रहा है, बहुत कुछ देख के यहाँ आया। और हिंदी गाना आपने बोला नहीं है सबसे फेवरेट? अच्छा, सब हिंदी गाना तो बहुत बहुत फेवरेट है। जो सबसे ज्यादा लंबा आता है आपको? अच्छा, अमीर पटेल पनानिया। नहीं बैठी है, मेरा आखिरी सवाल है। अच्छा, हिंदी गाना आप क्या बना रहे? नींबू सोडा। तो भाई मैं आपके पीछे आता हूँ, नींबू सोडा। एक बांग्लादेशी कुटुंबात अपन नींबू सोडा पण घेतो, दोघांची कहानी पण ऐकतो है ना। हाँ बोलिए। तो गाने का मैं सोच के आती हूँ, क्योंकि इतना नहीं आता उतना मतलब मेमोराइज नहीं हुआ है इतना। अच्छा, ये इन्होंने कहा कि आपके माँ जैसे ही आप अच्छा खाना बनाती हैं, वो भी आपकी फेवरेट डिश कौन सी है? ये तो भी बोलता है, वो पता नहीं सच में ऐसा है या नहीं। अच्छा एक छोटा गेम खेलते हैं फिर हम लोग खत्म करते हैं। हाँ। वो टिकटॉक पे बहुत ज्यादा वीडियो चलते हैं ना, आपको पता है ना। हाँ, योर बंगाली एक्सेंट इज टू गुड। से इट अगेन। तो रिक्शा को क्या कहते हैं? रिक्शा बंगाली में रिक्शा। तो अभी जो आपने वो वर्ड्स मुझे बोले थे ना खाना खाते समय, इसको हम लोग ये बोलते हैं, इसको हम लोग अलग अलग। हाँ। तो 10-15 चीजें मुझे बताइए कि जो बंगाली में अलग सी है। हाँ। बंगाली में अलग है या सेम सेम? अलग है, बताइए। सोफा टेबल या टेबल? टेबल। ओ नहीं, आप पूछ रहे हैं लोकल लैंग्वेज? यस लोकल। जो ये है ये तो सब लोग में बोलते हैं, कुछ लोग है जो रिक्शा उसके बाद रिश्ता स्कूल 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 और बहुत है। चेयर को बोलते हैं चेयर मतलब जल्दी जल्दी में चेयर। फिर हम सर बोलते हैं बंगाली में, सार बोलते हैं।
ऐसा तो अभी आप हमारे लिए नींबू सोडा नींबू सोडा ये तो तांबू आप चॉकलेट हाँ चॉकलेट खाते हैं एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.